जी हाँ, आप लोगों ने जो थंबनेल में देखा है वो 100% सही बात है। इस प्रजाति की मृत्यु सही में नहीं होती है। अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, क्यों, कैसे, और इन सब प्रश्नों का उत्तर ही मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। सो प्लीज बी पेशेंट एंड वॉच टिल द एंड। इस विशाल महासागर में ऐसे बहुत से जीव प्रजाति का वास है जिसकी उपस्थिति के बारे में अभी भी वैज्ञानिक अनजान है। आज हम उस जीव प्रजाति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके ऊपर अभी विज्ञान कुल अनुसंधान चला रही है। अभी भी इसके हर विषय के बारे में वैज्ञानिक पूरी तरीके से परिचित नहीं हुए हैं। नाम जेलीफिश। ये प्रजाति दिखने में बिल्कुल खुले हुए छतरी की तरह है जिसके नीचे से रेशों का गुच्छा या टेंटिकल्स निकले हुए हैं। क्योंकि इस जीव के अंदर कोई हड्डी नहीं है और ये दिखने में मछली की तरह भी नहीं है, और तो और ये बिल्कुल जेली की तरह पारदर्शी होता है। इस कारण से वैज्ञानिक इनको समुद्र का जेली भी बोलते हैं। जेलीफिश का जन्म दुनिया में तब हुआ था जब दुनिया में डायनासोर का अस्तित्व था। आज से लगभग 500 से 700 मिलियन बरस पहले इनका जन्म दुनिया में हुआ था। क्योंकि इनके अंदर कोई हड्डी नहीं है और इनका कोई बॉडी पर सख्त भी नहीं है, इसीलिए इनका फॉसिल का मिलना भी बहुत ज्यादा दुर्लभ है। जेलीफिश के कुल 5000 से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। मुख्य रूप से 4 नस्ल ही देखी जाती है, स्काइफोजोआ, क्यूबोजोआ, स्टारोजोआ एवं हाइड्रोजोआ। इनमें से स्काइफोजोआ की 200 प्रजाति, क्यूबोजोआ की 20, वही स्टारोजोआ के 50 एवं हाइड्रोजोआ के 1000 से 1500 प्रजातियां इस महासागर में मौजूद है। इसके अलावा भी जेलीफिश के और भी कई प्रजातियां मौजूद हैं, जिनका खोज अभी भी चल रहा है। जेलीफिश की आकृति बिल्कुल खुले हुए छतरी की तरह होता है जिसके नीचे से टेंटिकल का गुच्छा निकला हुआ है। जेलीफिश की कुछ प्रजातियां जैसे क्यूबोजोआ नस्ल की बॉक्स जेलीफिश प्रजातियों के टेंटिकल्स जहरीले कोशिकाओं से ढका हुआ होता है। ये टेंटिकल्स अगर किसी भी जानवर को छू ले या किसी भी इंसान का पैर इनके ऊपर पड़ जाए तो ये कोशिकाएं उनकी चमड़ी भेद के अंदर घुस जाता है और उस जगह को इन्फेक्टेड कर देता है। ऐसी हालत में अगर व्यक्ति सही वक्त पे हॉस्पिटल ना पहुंचे तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस विश्व के हर सागर, महासागर, तटीय इलाके में और मीठे पानी में भी जेलीफिश पाई जाती है। मीठे पानी में रहने वाले जेलीफिश जहरीले नहीं होते। छोटे आकार के जेलीफिश शिकारियों से बचने के लिए झुंड बनाकर रहते हैं। जेलीफिश के पूरे झुंड को स्मैक कहा जाता है। कभी कभी ये झुंड मछुआरों के जालों में फंस जाते हैं और उनका काम मुश्किल कर देते हैं। बड़े आकार के जेलीफिश अकेले ही रहते हैं। इस प्रजाति का जीवन चक्र बहुत ज्यादा जटिल है। अंडे से पूर्णांग जेलीफिश में रूपांतरित होने के लिए इस प्रजाति को 2 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहला है पॉलिप स्टेज। इस अवस्था में अंडा फर्टिलाइज होने के बाद कोई भी कोरल रीफ अर्थात मूंगे के चट्टान के ऊपर जाके चिपक जाता है। इसके बाद से ही जेलीफिश के जीवन चक्र का आगे का सफर शुरू होता है। अंडे से निकलने के बाद जेलीफिश गुब्बारी की तरह दिखता है एवं कुछ वक्त बाद इनके ऊपर की तरफ टेंटिकल्स आना शुरू होते हैं। पॉलिप स्टेज को संपूर्ण होने में काफी वक्त लगता है। पॉलिप से पूर्णांग जेलीफिश में रूपांतरित होने की अवस्था को मेडूसा स्टेज कहा जाता है। जेलीफिश एक लिंगाश्री जीव है, अर्थात इनकी नर और मादाएं अलग अलग होती है। प्रजनन के वक्त ये दोनों अपने शुक्राणु और अंडे अपने चारों तरफ के समुद्र में फैला देते हैं और कुछ वक्त बाद ये एक फर्टिलाइज होके एक नए जीवन का जन्म देते हैं। परंतु कुछ कुछ नस्ल के जेलीफिश उभयलिंगाश्रय भी होते हैं, अर्थात
इनके अंदर नर और मादा उभय के गुण ही रहते हैं। ऐसे प्रजातियां अपने शरीर के अंदर ही एक को फर्टिलाइज करने की क्षमता रखते हैं। सही मात्रा में खाना मिलने पर एक पूर्ण वयस्क जेलीफिश एक रात में 45,000 से भी ज्यादा अंडे दे सकती है। एक जेलीफिश की सर्वोच्च लंबाई 7 फीट तक होती है। विश्व का सबसे छोटू जेलीफिश का नाम है इरुकांदजी जेलीफिश, जिसकी लंबाई है 0.25 मिलीमीटर। ये प्रजाति बहुत ही ज्यादा जहरीली और बॉक्स जेलीफिश नस्ल की है। लायंस मेन जेलीफिश विश्व का सबसे लंबा जेलीफिश है, जिसके ऊपर का हिस्से का व्यास 8 फीट और एक एक टेंटिकल्स की लंबाई 100 फीट तक होता है। ये प्रजाति यकीनन दुनिया का सबसे लंबा प्रजाति है, लेकिन ये बात अभी पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं हुई है। विभिन्न जेलीफिश प्रजातियों का जीवन व्याधि भी विभिन्न होती है। कुछ प्रजातियां जहां कुछ घंटों तक जीवित रहती है, तो कुछ जेलीफिश प्रजातियां कई सालों तक जीवित रहती है। लेकिन जेलीफिश का एक खास नस्ल है जिसकी मृत्यु कभी भी नहीं होती है। लोक कथा में इसको कहा जाता है अमर। नाम ट्यूरिटॉक्सिस डॉर्नी। इस प्रजाति की जेलीफिश खुद को मेड्यूसा स्टेज से पॉली स्टेज में रूपांतरित करने का क्षमता रखता है। इस अवस्था में एक पूर्ण वयस्क जेलीफिश दोबारा खुद को पॉलीप या अंडे में परिवर्तित करता है और फिर से इसका जीवन चक्र शुरू से शुरू होता है। फिर से ये पूर्ण वयस्क बनते हैं और फिर से दोबारा खुद को अंडे में परिवर्तित कर लेते हैं। जेलीफिश कार्निवोरस अर्थात मांसभक्षी और पैरासाइटिक अर्थात परजीवी जीव प्रजातियों में से है। जेलीफिश प्लैंकटन, छोटे मछली, मछलियों के अंडे, लार्वा और दूसरे जेलीफिश प्रजातियों को खाके जिंदा रहते हैं। कुछ प्रजातियां जैसे अग्लोरा हेमिस्टोमा ओमनिवोरस जेलीफिश प्रजातियों में से है और ये माइक्रोप्लैंकटन खाके जीवित रहते हैं। शार्क, कछुए और इंसान जेलीफिश के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जेलीफिश जब समुद्र के लहरों के साथ बहके किनारों में आ जाती है, तो लोमड़ी जैसे जानवर इनको खा जाते हैं। जापान और चाइना जैसे देशों में जेलीफिश को बहुत चाव से खाया जाता है। पहले ये लोग जेलीफिश को पूरी रात विनेगर या नमक वाले पानी में भिगो के रखते हैं। इससे जेलीफिश का पूरा जहर निष्क्रिय हो जाती है या खत्म हो जाती है। फिर सुबह में इसको कच्चा या पका के परोसा जाता है। एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए भी इनको रखा जाता है। इन सब कारण के बावजूद भी इनकी संख्या कहीं से भी नहीं घटी है। ये प्रजाति हर परिवेश में खुद को जीवित रख सकते हैं। उष्ण समुद्री इलाका और तो और जहां ऑक्सीजन की कमी रहती है, जहां दूसरे जानवर एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, वहां ये प्रजाति जीवित रह सकती है। इसी कारण से इनके जीवन चक्र में कितनी भी मुश्किलें हो, ये प्रजाति इस धरती में अच्छे से फल फूल रहे हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये हमसे जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट करके, और आगे आप कौन से जानवर के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगली वीडियो जल्दी आने वाली है। तब तक टेक केयर।